कितने ज़्यादा बंदे भी यहाँ पे हैं, बहुत समझ आ रहा है। मेरे को एक वेस्ट की ज़रूरत है। पड़े यार उसको भी हेड्स। तो हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो अभी मैं आपको जो पीयूवी दिखाया, ये चिराग टू ओपी भाई का था, तो उनका 15 सेकंड का मैंने क्लिप यहाँ पे यूज कर लिया। भाई स्ट्राइक मत दे देना, कि कोई बंदा मेरे को बोल रहा है भाई उसका क्लिप यूज करोगे तो स्ट्राइक दे सकता है। तो भाई चिराग भाई आप देख रहे हो तो प्लीज स्ट्राइक वगैरह मत देना 15 सेकंड के लिए। तो मुझे वैसे यूट्यूब बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है, अभी मैं नया हूँ इस फील्ड में, तो पता नहीं भाई इसके इसका क्या होता है। तो 15 सेकंड का क्लिप यूज कर लिया, पर भाई देख लो उसको काफ़ी गंदा वाला मारा था। गाइज प्लीज यार सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज यार, क्योंकि भाई मेरे 1000 होने वाले हैं, तो हो जाएगा तो चैनल मेरा मोनेटाइज होगा। लास्ट टाइम तो पूरा हो गया बट अभी सब्सक्राइबर्स 1000 पूरे नहीं हुए, तो प्लीज यार करा दो। ओके इधर तो हमने दोनों बंदों को ले लिया, और अभी भाई यहाँ पे ढेर सारे बंदे थे। फटाफट यहाँ से AKM उठाता हूँ, और भाई बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, चारों तरफ से फुटस्टेप वगैरह आ रहे थे। सामने बंदा दिखा, और भाई इसको भी यहाँ हमने बहुत ही आराम से मार दिया, तो यहाँ पे मेरे 3 किल हो गए थे। और यहाँ तक तो भाई अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट अभी कुछ होने वाला है मज़ेदार चीज, तो थोड़ा देखिएगा आराम से। तो सामने मैं सोचता हूँ यार यहाँ पे अगर कोई बंदा नहीं है, सामने फायर आ रहा था उधर जाऊँ, तो यहाँ एक बंदा उड़ते हुए मेरे को दिखता है और मैं बाहर जा रहा था, फिर सोचा अंदर जाऊँ। भाई उतने में यहाँ कोने पे भाई ये गुड्डू पंडित YT नाम का बंदा बैठा रहता है कोने पे कैम करके। भाई जरा सा भी भनक नहीं लगा मेरे को, नहीं तो मे बी मैं इसको मार ही लेता यार, क्या कुछ भी हो सकता था। तो यार कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे कैंपरों से, तो भाई कई बार हम मर चुके हैं, अब ज़्यादा डर नहीं लगता। पहले तो भाई ऐसा हार्ट अटैक आ जाता था, तो होता रहता है। फिर मैं आ जाता हूँ हॉस्पिटल पर लूट करने। देखो फिर उतने में यहाँ पे एक बोट आता है, बट भाई बोट को पता नहीं क्या अपडेट हो गया है, बोट के फुटस्टेप अब ऐसे लगते हैं मुझे खासतौर से कि जैसे बंदा हो। बोट को भी मारने के बाद मैंने यहाँ पे 4 किल तो हो गए थे। अब आराम से मैं यहाँ पे बैठ के कैम करता हूँ और एंड जोन तक यहीं पे सरवाइव करता हूँ। तो देखो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई ये जो अपडेट है ना, सोलो रैंक पुश के लिए एकदम से बेस्ट है। जैसे दिन में आपको 2 प्रोटेक्शन मिल जाएंगे, दिन में अगर आपका 2 कैंपर वगैरह आपको मार दिए तो आपका वो माइनस नहीं होगा, आपसे आराम से आप उसको मतलब कि आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, अब थोड़ा फ्री होके भी खेलेंगे, ठीक है, बट उसको आप बचा के रखा करिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ। अगर आपके पास 2 रिकॉल होगा, अगर गलती से कहीं मर जाते हैं, आपका नेटवर्क वगैरह चला जाता है, तो आपका माइनस नहीं होगा, माइनस से बचे रहोगे, तो उसको बचा के रखना है। और उसके बाद ये इवेंट तो है ही, इवेंट पर जाइए आप, खुल के खूब ढेर सारा किल निकालिए, जितना ज़्यादा आप किल निकालेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फायदा है, उतना ही ज़्यादा आपका प्लस होगा। और भाई अभी भी जिसका रैंक चल रहा है 2000 के आसपास ना, उसका भी कॉन्कर हो सकता है। तो भाई डेली आप ना ट्राई करो कि डेली का 500 माइनस करने का ट्राई करो। अभी हमारे पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में भाई बहुत कुछ हो सकता है। 10 दिन में यहाँ पे इस मास्टर से कॉन्कर भी कर सकते हैं बंदे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास 5700-5800 पॉइंट है, फिर भी आपका कॉन्कर हो सकता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, बट करने वाले के ऊपर है, ठीक है भाई। ओके तो बात करें हमारे गेम प्ले के बारे में, तो भाई यहाँ पे मेरा टॉप 10 भी होने वाला था, तो मेरे 4 किल थे। तो मैं सोच रहा था ये जो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड है ना, यहाँ पे अगर कोई बंदा होगा तो मैं जाके सीधा रश करूँगा। तो देखो इधर पे क्या होता है, बहुत ही गंदा सीन होता है, पहले से रिवील कर दे रहा हूँ कि भाई सच में बहुत गंदा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं मुझे लगा भाई बंदा छत पर होगा, ऊपर वाले फ्लोर पर। बट भाई बंदा यहाँ पे नीचे रहता है, और प्रीफायर इतना ज़्यादा प्रीफायर करता है ना यहाँ पे, कसम से इसके प्रीफायर से ही मेरी फट जाती है यहाँ पे। यहाँ भाई इसको DBS का शॉट भी पड़ा, बट यार इतना ज़्यादा प्रीफायर कर रहा था, और इसका एम असिस्ट इतना तेज था, इतना तेज कनेक्ट हो रहा था भाई, मुझे बहुत ही गलत लग रहा था, मुझे बहुत ही गुस्सा, अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था
कि भाई इतना ज़्यादा फ्री फायर कौन करता है यार। बट सही है, बंदे का स्ट्रेटजी है, उसका ट्रिक है, शायद इसीलिए जीत गया फ्री फायर से ही। बट अब भी मुझे गुस्सा लग रहा है भाई, इतना ज़्यादा फ्री फायर कर रहा था। तो देखो यहाँ पे मैं एक ग्रेनेड करता हूँ, तो थोड़ा और कुक करके डालता तो शायद वो फट जाता। फिर मैं इधर पे आगे आता हूँ, यहाँ पे फिर मैं ग्रेनेड का पिन खींचता हूँ, उतने में बंदा सामने आ जाता है। और भाई यहाँ पे मैं ग्रेनेड से ही मारता तो ज़्यादा सही रहता। यहाँ पे देख लो मैं एकदम से कवर में था, फिर भी उसके एम असिस्ट से मैं इतना ज़्यादा डैमेज हो गया, बंदा ऊपर गया। और यहाँ पे देख लो भाई बंदा किधर फायर कर रहा है और मेरे को बुलेट जो है किधर आके लग रही है। बहुत ही गंदा सीन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे #8 पे मर गया और 7-8 का प्लस हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। ओके तो भाई बात करते हैं हमारे सेकंड गेम प्ले के बारे में। इसमें भी भाई लैंडिंग मेरी ठीक ठाक हो जाती है। फटाक से मेरे को गन मिलता है भाई। यहाँ पे आप ना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किल निकाल लिया करो, क्योंकि भाई काफ़ी बंदे निहत्थे रहते हैं तो बाद में उनको गन मिल जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है भाई। उनके पास लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट भी मिल जाता है कभी कभी। चलो एक नंगे बंदे को हमने इधर पे मार लिया। भाई यहाँ पे भाई बंदे का गन सामने रिलोड पे आ जाता है, इसको मार लिया। फिर यहाँ पे सामने एक बंदा था तो मैं इसके ऊपर सोच रहा था रश करूं, बट यहाँ पीछे भी एक बंदा था भाई। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, होता है यार मेरे से कंफ्यूजन कुछ ज्यादा ही होता है। पता नहीं कैसे ये बंदा शायद इधर पे तुरंत ऑफलाइन हो गया मेरे को स्प्रे करके, फिर इसको भी मार दिया। अब यहाँ पे पीछे भी बंदे तो भाई बाहर से ऐसे लूट नहीं कर सकते थे, तो मैं तो ऐसा कर दिया, बट आप लोग ऐसा मत करो क्योंकि ऐसे लूटने भाई मैं कई बार मरा हूं। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था जल्दी से हील कर लूँ, एनर्जी ड्रिंक वगैरह पी लूँ। उतने में भाई पीछे एक बंदा आ जाता है, तो देखो यहाँ पे मैं कितने गंदे तरीके से मरने वाला हूँ। मैं सोच रहा था यहाँ पे रश कर दूँ, लेकिन उससे पहले बंदा मेरे पे रश कर देता है। और देख लो यहाँ पे भाई मेरे को मेरी बॉडी में जैसे ना बुलेट ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है, बहुत तेज होती है, पता नहीं कैसे मैं सामने वाले को मारता हूँ तो ज़्यादा कनेक्ट नहीं होती है। और भाई ऐसा ही आईफोन है कि भाई मुझे ही मराता है, मुझे ही मरवाता है ज़्यादातर। तो मरने के बाद हम जंप करते हैं स्कूल में। तो अभी भी यहाँ पे एकदम से लास्ट जोन में हम एंट्री करते हैं और यहाँ पे अभी 14 बंदे बचे थे। तो भाई कई सारे पोजीशन थे, बट मुझे ऐसा पोजीशन चाहिए था जहाँ से मैं बंदों को मार सकूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ पे जाऊँ और एंड में मैं इधर पे आ जाता हूँ। तो मैं सोचा था यहाँ से बैठे बैठे थोड़ा बंदे यहाँ पे मर जाएंगे, मे भी यहीं से मेरा टॉप 10 हो जाए। बट जोन में ऐसे यहाँ पे काफ़ी दूर पे था और नाली में, तभी मेरे को कुछ बंदा नहीं दिखा था। और अभी वहाँ पे शायद एक बंदा है, बग्घी दिख रही है, तो मैं यहाँ से सोचता हूँ नाली में चला जाऊँगा और इस अपने कपल कूप का आराम से वहाँ पे कवर बना लूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या ही गंदा सीन हुआ। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो मेरा अभी कंट्रोल थोड़ा चेंज हुआ है पहले से, तो जिसके कारण भाई यहाँ पे बैठने के बटन पे मैं दबाता हूँ, भाई मेरा बंदा बैठता ही नहीं यहाँ पे। और आराम से ऐसा लग रहा था जैसे मैं गिफ्ट दे दिया सामने वाले बंदे को, जाके भाई ये लो
मेरा तरफ से। और भाई यहाँ पे कसम से प्लस ही नहीं हुआ, प्लस क्या यहाँ पे माइनस हुआ, जो डेली का प्रोटेक्शन होता है ना वो मेरा यहाँ पे यूज हो गया, तो बुरा लग रहा था यार। आज तक 13 पे मरने पे भी माइनस हुआ, होता है, कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।